तो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें मानसिक योग्यता वाले जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो तो लगभग बच्चे कर लेते हैं सभी। उसमें से 40 में से 35-36 क्वेश्चन तो सभी के सही हो जाते हैं। उसके बाद 20 क्वेश्चन आते हैं गणित के, और गणित ही जो है हमारा स्कोर बनाता है, क्योंकि गणित में जो सवाल होते हैं वो बच्चे हल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गणित के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर कैसे किया जाए। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद वाले, उसमें से भी 20 में से लगभग 15 क्वेश्चन बच्चे सही कर लेते हैं। तो हमको विशेष ध्यान देना है किस पर? गणित पर। तो यहाँ पे देखोगे 41वां क्वेश्चन है, कह रहा कि रुपए पांच फिर रुपए 25 का कितने प्रतिशत है। मतलब जो 5 रुपए है वो 25 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, इसको करने का तो कई तरीका है, हम इसमें भिन्न वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखना हो कि ऐसे खाने हो, अगर मान लीजिए 4 खाने हैं इसमें और एक खाना मैं कलर कर दूं, और आपसे कहूं कि चारों में से जो एक रंगीन है उसके लिए भिन्न बनाओ, तो आप क्या बनाओगे? 1/4। भाई कुल खाने 4 और रंगीन खाना कितना? 1। तो इसमें देखोगे कह रहा कि जो 25 है उसी में से तो 5 का पूछ रहा है ना, 25 में से किसका पूछ रहा? 5 में। मतलब 25 रुपए में 5 रुपए जो है वो कितना प्रतिशत होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कुल खाने हो गए 25 और उसमें से 5 खाने हमारे हो गए रंगीन वाले। कौन से हो गए? रंगीन। तो इसकी जो भिन्न बन जाएगी हमारी वो 5/25 की बन जाएगी। और जैसे ही भिन्न जैसा बन जाए वैसे ही हम इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। क्या करना होता है, 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा। जो नीचे का 100 होता है ये क्या बन जाता है? प्रतिशत बन जाता है। और ऊपर वाले को ऐसे हल कर लेंगे, क्या बनेगा भी जाके, 5 × 100 और बटे में यहाँ पे है 25। जो नीचे वाला 100 है इसको हमने किस में बदल दिया? प्रतिशत में। तो 25 × 100 और ये बन गया 4×5 = 20। मतलब कि आंसर हो गया हमारा कितना? 20%। तो इसमें हमारा सही कौन सा है? चौथा वाला। अब इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, कह रहा दो संख्याओं का लासा लघुत्तम समापवर्त कितना है? 36 है और मासा 6 है। पहली संख्या जो है वो 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 42वां क्वेश्चन है। होता है क्या कि पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुड़े मासा के। इस फार्मूले का हमेशा ध्यान रखना, इसमें से कोई भी 3 चीजें दी होंगी तो चौथा अपने आप निकल आता है, क्योंकि इसमें 4 चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लासा, मासा। तो 3 चीज दी होंगी तो चौथा अपने आप आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्या क्या दिया है, कह रहा दो संख्याओं का लासा, लासा हमको दिया है, फिर मासा भी दिया है और पहली संख्या भी दी है। तो पहली संख्या हमको कितनी दी है? पहली संख्या है 12, तो पहली संख्या की जगह 12 लिख दिया। दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या को वैसे को वैसे लिखा रहने देंगे। ये हो गई दूसरी संख्या। लासा कितना है? लासा है 36 और मासा कितना है? 6 है। अब दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? दूसरी संख्या बराबर, जो दूसरी इधर बराबर के इस तरफ हमको दूसरी संख्या है ना, इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसके साथ में जो भी इधर गुणे में होगा वो उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, है ना। ये 12 इधर दूसरी संख्या के इस तरफ जो है क्या था, गुणे में था ना। देखो अब गुणे में है ये, इसको अगर हम बराबर को उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 × 6 भाग में आ गया कौन? ये 12। तो 12 × 36 और 3 × 6 क्या मिल गया अब? 18। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई है? 18। अब इसके बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। इसमें कह रहा कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। तो इसको आप एलसीएम और एचसीएम विधि से करोगे तो समय लगेगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्या करो, 10 से 15 से 20 से भाग दे दे करके देख लो। जाहिर सी बात है इन दोनों में 0 0 है, 10 में भी है और 20 में भी है, तो जिसमें भी लास्ट में 0 होगा वो तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको तो हमें बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करना है, ये तो है ही नहीं है। इसमें देखो लास्ट में 0 है, ये भी हो सकता है, ये भी 10 से कट जाएगा और 20 से भी कटने के चांस है। 20 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसको देखिए जो दहाई वाला अंक है वो कैसा है, वो विषम संख्या है और यहाँ पे कौन सा है? सम संख्या। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन सा? ये दोनों। अब इन दोनों में ये देख लो
कि 10-20 से तो ये कटेंगे कटेंगे, लेकिन क्या देखो 15 से कट रहा है। तो देखोगे 15 से काटने के लिए तो यहाँ पे है 9960, 15 से अगर काटते हो तो 15 छक्का 90, 9 बचा यहाँ पे, फिर 15 छक्का 90, फिर बचा कितना 6, तो ये बन गया 60, तो 15 चौको 60, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 2 वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है भाई, बहुत सिंपल सा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई है कितनी, लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और करना क्या है इसमें, कह रहा कि सिर्फ क्षेत्रफल निकाल लो, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई गुणा कर लो भाई, 15 गुणे 10 कितना हो गया, 15 दहम्मा 150 सेंटीमीटर, और लग जाएगा इसमें क्या भाई, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, घात कितनी 2, तो इसमें कौन सा सही हो जा रहा, पहला वाला। इसके बाद देखो कह रहा क्वेश्चन नंबर 45, 45वां देखो, 45वें में है कि यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसमें कह रहा कि यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, सबसे पहले मान लीजिए कि धन हमारा क्या है, माना धन, धन क्या है x, मान लो कितना x, फिर कह रहा कि 10 वर्ष में समय कितना है, समय है 10 वर्ष, दर यहां पे दी नहीं गई है तो दर जो भी रहे मान लो 8% है, कितने प्रतिशत है 8%, कह रहा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। अब देखो ये तो हमारा धन था, इसका मिश्र धन कितना हो जा रहा, मिश्र धन होने का मतलब ये हो गया कितना ये हो जा रहा, ठीक है ब्याज उसमें जुड़ करके, तो मिश्र धन हमारा कितना बन जा रहा है, कह रहा कि 2 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 2, तो जो भी धन था उसका 2 गुना करोगे तो 2x हो जाएगा ना, तो ये हमारा हो गया क्या, मिश्र धन हो गया। अब इसमें से अगर हम ब्याज निकालना चाहे तो क्या करेंगे, ब्याज बराबर क्या होता है भाई, जो मिश्र धन होता है उसमें मूलधन अगर घटा दे तो ब्याज ब्याज बचता है ना, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस एक्स, ये आ गया x, ये हमारा क्या था, ये ब्याज था, कितना था ब्याज था, x रुपए मूलधन था और x क्या था ब्याज था। अब अगली बार देखो कह रहा कितने वर्षों में, मतलब समय निकालना है, तो समय हमसे पूछ रहा है, समय मान लीजिए कितना है t है, कितना है t, और धन कितना हो जाए 3 गुना हो जाए, मिश्र धन दे रहा कितना, मिश्र धन दे रहा है कह रहा हो जाए 3 गुना, मतलब x से 3x हो जाए, 3 गुना होने का मतलब क्या हो गया 3x हो जाए, है ना। अब देखो इसमें से अगर ब्याज निकालो कितना ब्याज हो गया भाई, जाहिर सी बात है x था 3x हो गया, तो 2x इसमें क्या आ गया, ब्याज आ गया ना, तो अभी ब्याज क्या हो रहा है, अभी ब्याज हो रहा है 3x माइनस x, मतलब हो रहा कितना 2x हमारा ब्याज आ रहा। अब फार्मूला लगा दो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है x, गुड़े दर, दर कितनी है हमने r माना था, चलो r ही रहने दो, ठीक है, दर गुड़े समय, समय हमको निकालना ही है और बटा 100, यही तो होता है। अब साधारण ब्याज, ब्याज कितना हो गया इसमें 2x, तो यहां पे रख दिया 2x, यहां से हम दर निकाल सकते थे क्योंकि हमको ब्याज पता लग गया था और समय भी इसमें दिया था, तो यहां से हम दर निकाल सकते हैं, दर हमें मिल जाएगी क्योंकि फॉर्मूला यही लगेगा, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय, क्योंकि यहां दर की जरूरत पड़ेगी ना। अब देखो साधारण ब्याज इसमें कितना मिला था भाई, x मिला था ना पहली बार में जब वो 2 गुना हुआ था, तो यहां पे हो गया x बराबर मूलधन कितना था वही x गुड़े दर हमने r माना था, r अभी निकल आएगा, समय कितना था भाई 10 वर्ष था और बटे कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये x से x भी कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 10 है ना नीचे, ये अगर r निकालोगे तो ये 10 जो इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो 10 एक कम 10, मतलब कि r तुम्हारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम उस r को रख सकते हैं, तो ये x गुणे यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 और t समय ही तो हमको निकालना था बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो,
टी निकालना है तो टी के साथ में जो भी गुणे में है वो उधर भाग में चला जाएगा और जो भाग में है वो गुणे में चला जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा भाई, टू एक्स के साथ गुणे में कौन जाएगा, दस जाएगा, और भाग में कौन आएगा, एक्स आएगा, है ना। एक्स एक्स कट जाएगा, दस दूना बीस, कहने का मतलब 20 वर्ष लगेंगे तब जाके वो कितना होगा, तीन गुना होगा। क्लियर बात। अब चलो अगले क्वेश्चन पे।